पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीएम आवास पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक कर रहे हैं। निगम चुनाव को लेकर के इस वक्त ये चर्चा हो रही है, काफी महत्वपूर्ण दोनों की मुलाकात मानी जा रही है। एआईसीसी के पर्यवेक्षक भी सीएम आवास पर ही मौजूद हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। यहां पर वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, डोटासरा और मुख्यमंत्री के बीच में निगम चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। एआईसीसी के पर्यवेक्षक भी यहां पर मौजूद हैं सीएम आवास पर। तो पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीएम आवास पर पहुंचे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक और काफी महत्वपूर्ण चर्चा इस वक्त की जा रही है निगम चुनाव को लेकर के, क्योंकि आईसीसी के पर्यवेक्षक भी सीएम आवास पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी डोटासरा और मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर? जी देखिए, राजस्थान में 6 नगर निगम चुनाव को लेकर आज से नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन बात कांग्रेस की करें तो अभी तक उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है और 19 अक्टूबर तक नामांकन होंगे, तो बहुत कम वक्त बचा है। हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में बैठकों का दौर पिछले 3 दिन से जारी है, तो अभी पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और काजी निजामुद्दीन तरुण कुमार जो एआईसीसी के 4-5 पर्यवेक्षक है वो भी वहां पर मौजूद है। ये एक बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, फिर ये पर्यवेक्षक कोटा और जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां किस तरह चुनाव संचालन कमेटियों के साथ उन्हें काम करना है, किस तरह टिकटों का वितरण करना है, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह चुनाव प्रचार करना है, इन तमाम मुद्दों और मसलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये हाई लेवल बैठक जारी है। सीएम अशोक गहलोत अपने अनुभव के आधार पर कई निर्देश देंगे कि किस तरह राजस्थान का सिनेरियो होता है निकाय चुनाव में और किस तरह आपको काम करना है और किस तरह मंत्री और विधायकों को साथ लेकर चलना है, उनकी सिफारिश पर टिकटें बांधनी है, इसके अलावा पार्टी के वर्कर को कैसे मौका दिया जाना है, ये तमाम दिशा निर्देश सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दिए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।